दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हमने एक जो जूम मीटिंग रखी है, इसकी रिकॉर्डिंग हम करके आपके सामने लाएंगे। आप लोग के बहुत सारे प्रश्न लाइब्रेरियन के लिए थे, तो लाइब्रेरियन के लिए आज हमारे साथ फिर से दुर्गेश कुमार सर हैं, जो आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उसका आंसर देंगे। बीच में अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखेंगे, लेकिन पहले उनकी सारी बातें सुन लेंगे। तो मैं देर ना करते हुए माइक सौंपता हूँ सर को। सर आपका बहुत स्वागत है, और सर वन बाय वन सारे प्रश्नों का निदान करते जाइए। आवाज नहीं आ रही, आवाज म्यूट कर दी सर आपने। ऑडिबल सर, धन्यवाद हाँ बिल्कुल। सर और सभी कैंडिडेट्स को मेरा नमस्कार। जैसा कि जब से जो है आंसर किया है तब से लोगों में उहापोह मचा हुआ है कि क्या होगा, कैसा कट ऑफ रहेगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आई और विवेक जी ने और हमने जो है कोलेबोरेट किया, उसको जो है एक साथ मिलाया है और ढेर सारी हमारे पास 20-25 क्वेरीज हैं, उनकी ऑलरेडी जो है लिस्ट बनी हुई है, तो उनपे सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी होती है जो फुलफिल नहीं होती तो आप हमें बताइएगा। तो सबसे पहले मैं केबीएस में जो इंटरव्यू हो रहा है उसके ऑब्जेक्टिव की बात करूंगा कि असल में केबीएस इंटरव्यू ले क्यों रहा है। तो ज्यादातर क्या है कि लोग हमारे कैंडिडेट्स में भ्रांतियां फैला रहे हैं कि अगर आपको इतना नंबर मिला है और इंटरव्यू में इतना नंबर मिल जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर आपको इतना नंबर मिला है और इतना नंबर कम से कम आपको लाना होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का इंटरव्यू रखने का उद्देश्य है वो उद्देश्य है अच्छे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना। मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट्स का किसी वजह से कम नंबर आ गया और वो कट ऑफ के आसपास ही है। अब अगर मान लीजिए इंटरव्यू नहीं होता तो शायद जो है फाइनल सिलेक्शन में रह जाता। केवीएस की यही सोच है कि अगर वो कैंडिडेट किसी वजह से उसको सब्जेक्ट में कम नंबर मिले लेकिन वो अच्छा कैंडिडेट है तो उसको बुलाकर एक बार चांस देना चाहिए, और इसके पीछे इंटरव्यू रखने के पीछे वही उद्देश्य है कि अगर आप अच्छे कैंडिडेट हैं तो आपको अगर कट ऑफ से एक दो नंबर ही ज्यादा मिले हैं या कट ऑफ से ही हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, और जिनको बहुत अच्छे नंबर मिले हैं उनका तो सिलेक्शन होगा ही। तो कहने का मतलब यह है कि केबीएस का इंटरव्यू रखने का मतलब आपको छांटना नहीं है, आपका सिलेक्शन करना है। केबीएस ने इंटरव्यू इसलिए रखा है कि आपको सिलेक्शन करना है, आपको छांटना नहीं है। तो जिसको ज्यादा नंबर मिले हैं उसका सिलेक्शन तो होगा ही, वो तय है, लेकिन मान लीजिए जिसको कम नंबर मिले हैं उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। अब मैं दूसरे क्वेरी पे चलता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा इंटरव्यू का। सबसे पहले अगर कोई भी चीज है उसके पीछे ऑब्जेक्टिव जान लेना बहुत जरूरी होता है। कई सारे मतलब हमारे हैं इसमें लाइब्रेरियन इंटरव्यू में गाइड कर रहे हैं लोग, थोड़ा सा उसमें कुछ गलत मतलब गलत राह पे लेके जा रहे हैं हमारे कैंडिडेट्स को, तो थोड़ा मैं उनको बताना चाहता हूँ। तो मैं अपनी स्क्रीन थोड़ी देर के लिए शेयर करना चाहूंगा। एक मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन बनाया हुआ है। सर मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ सर, देख रही है। जी। कैंडिडेट्स हाँ बिल्कुल दिख रही है। को, सभी कैंडिडेट्स को दिख रही मेरी स्क्रीन? जी सर, दिख रही है सबको। कमेंट जी सेक्शन जी में। ओके सर ओके। तो जैसा कि हमने एक गूगल फॉर्म शेयर किया था हमारे ग्रुप में, तो कुछ कैंडिडेट्स ने अपने मार्क्स जो है उसमें फिल किए थे, तो उनके मार्क्स के आधार पर मैंने एनालिसिस किया है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर ओबीसी कैटेगरी है, कोई भी ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर में है, तो उनका जो मिनिमम रिटर्न कट ऑफ होने वाला है वो 115 तक जा सकता है और जो मैक्सिमम जा सकता है वो 120 जा सकता है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो उस आधार पे मान लीजिए कि आपको 115 नंबर ही मिले, सीधे सीधे आप कट ऑफ पे हैं, ठीक है, तो उसके आधार पे अगर आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए 64 मार्क्स चाहिए, फाइनल जो है सिलेक्शन में, फाइनल बिल्कुल फाइनल की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए ये मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम आपका ओबीसी कैटेगरी में फाइनल जो कट ऑफ है वो 64% जाता है, तो
आपको मिनिमम जो है इंटरव्यू में कितने मार्क्स लेकर आने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके रहे मार्क्स, 39 मार्क्स जो है, अगर मान लीजिए कि फाइनल कट ऑफ 64 आता है, फाइनल कट ऑफ 64 आता है, तो आपको इंटरव्यू में 39 मार्क्स जो है लेकर आना है। ठीक है, समझ रहे हैं सभी? थोड़ा सा आप कमेंट में यस नो करते जाइएगा, विवेक जी मुझे बता देंगे। तो ये कैलकुलेशन मैंने किया है कि 70-30 का जो फॉर्मूला है उसके आधार पर मैंने कैलकुलेशन किया है। मैंने जो है एक दो वीडियो भी देखी थी यूट्यूब पे जिसमें वो सही तरीके से नहीं बता रहे हैं और हमारे कैंडिडेट्स को थोड़ा सा भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। वे भ्रम की स्थिति ऐसे पैदा हो गई कि उन्होंने ऐसा बताया कि मान लीजिए आपको 30 में से अगर जो है इतने फलाने नंबर मिल जाता है तो वो पूरा पूरा जो है आपका उसमें फाइनल कट ऑफ में जुड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये कुछ कैलकुलेशंस होते हैं वो मैंने किए हैं। फार्मूला आप देख रहे होंगे, फार्मूला बार में आपको फार्मूला दिख रहा होगा, ये फार्मूला आपको फार्मूला बार में दिखाई पड़ रहा होगा। तो अगर ये चीज है, जैसे मान लीजिए अब मैं रियल की बात करता हूँ, मान लीजिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में जिसको 124 मार्क्स मिले हैं, तो और फाइनल जो कट ऑफ हम मान के चल रहे हैं 64 मार्क्स है, तो उसके आधार पे आपको मिनिमम जो इंटरव्यू में नंबर चाहिए वो सिर्फ 18 बी नंबर यस चाहिए, इट पॉसिबल यस ओनली 18 मार्क्स। और अगर अगर मान लीजिए 68 मार्क्स कट ऑफ जाता है, पॉसिबल फाइनल की बात कर रहा हूँ, 68 मार्क्स कट ऑफ जाता है, तो आपको 37 मार्क्स लेकर आने होते हैं। समझ रहे हैं आप? तो मैं समझ पा रहा हूँ मेरे कैंडिडेट्स जो हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, अब इसमें ये मत बोलिएगा कि सर ये कैलकुलेशन थोड़ा करके दिखा दीजिए, ठीक है, मैं मैथ्स की क्लास नहीं कर रहा हूँ, तो ये मैंने कैलकुलेशन अपने हिसाब से बनाया है, आप लोग फार्मूला देख सकते हैं, ये फार्मूला मैंने जो लगाया है फार्मूला आप देख सकते हैं। तो विवेक जी, क्या फार्मूला इनको बताने की जरूरत है या फिर कैलकुलेशन बताने की जरूरत है, या हमारे कैंडिडेट समझ रहे हैं? नहीं सर, वो समझ पा रहे हैं, एक मोटा मोटी अनुमान उनको समझ में आ गया कि अगर 134 के आसपास है इतना नंबर जी उनका इंटरव्यू में मिनिमम आ जाएगा तो वो आगे सक्सेसफुल हो जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के बिल्कुल बिल्कुल लिए। बिल्कुल। और सेम ये थोड़ा सा देखिए, इसमें क्या है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जिनका कट ऑफ मान लीजिए कट ऑफ है 15 है, तो ये तो 114 है, मान लीजिए 114 पे भी आपको इंटरव्यू कॉल आ जाती है तो फिर आपको क्या करना होगा? 114 वाले की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ओबीसी में जो है, और 114 सर, किसी का माइक नहीं जो है वो ऑन है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। तो ग्रुप बना इसमें क्या होगा, कर आप लोग प्लीज म्यूट करके रखिए। देखिए, ऐसा है कि हमारी कोई कोचिंग है नहीं, हम लोग आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, तो इसको चलने दीजिए, आप लोग बीच में इसको वो ना करिए। हम भी स्कूल से आकर के, अपने नौकरी से आकर के कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तुरंत चाहते तो आराम कर सकते थे। जी तो सर, चलिए सर आगे बढ़ते। मान लीजिए किसी का ओबीसी कैटेगरी में 114 नंबर है और उसको कॉल आ गई, ठीक है, और उसको 64 मार्क्स लेकर आना है फाइनल सिलेक्शन के लिए, इनकेस, ठीक है, तो उसको जो है कम से कम 41 मार्क्स उसको लेना चाहिए होगा इंटरव्यू में, तब जाके उसके 64 मार्क्स होंगे फाइनल में, और फाइनल की कट ऑफ अगर 64 होती है तब जाके उसका सिलेक्शन होगा। और मान लीजिए कि कट ऑफ जो है ज्यादा जाती है, 68 जाती है, तो वो थोड़ा सा संशय में रहेगा। मैं सीधा सीधा बात कर रहा हूँ, हो सकता है किसी को दुख हो सकता है। और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 102 जो लोग कह रहे हैं, मान लीजिए 64-68 कट ऑफ जा रही है, तो इसमें देखिए ये ऑलरेडी रेड है। एक तो अगर मान लीजिए किसी तरीके से आपकी कॉल आ भी जाएगी तो आपको 64 मार्क्स लेकर आने के लिए आपको 69 मार्क्स लेकर आना है इंटरव्यू, जबकि इंटरव्यू 60 मार्क्स का है सिर्फ, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। इसका कहने का मतलब यह है कि बुनियादी रूप से आप लोगों के नंबर ये 102 वाला जो है वो कम है। अब ये उस केस में चमत्कार हो सकता है कि जब कट ऑफ आपका जो है 100 नंबर या 102 नंबर हो, तो जाहिर सी बात है ये जो कट ऑफ है, जो फाइनल कट ऑफ है, वो भी नीचे आ जाएगा, और उस केस में
सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सर। कोई चमत्कार जैसी चीज नहीं होती है। और वैसे ही सेम एससी कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए भी है, उनका मैंने जो है मिनिमम 108 माना है और 112 माना है, तो उसी आधार पे उनको मिनिमम 26 मार्क्स लेकर आना है और मैक्सिमम 32 मार्क्स लेकर आना है अगर इंटरव्यू में सिलेक्शन लेना है उनको। और अगर मान लीजिए किसी के 114 मार्क्स हैं तो उसको सिर्फ 12 नंबर लेकर आना है इंटरव्यू में, तो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए इंटरव्यू में 12 नंबर लेकर आना है तो सर ये बहुत बड़ी बात ही नहीं है। सर एक क्वेश्चन कर अगर सकते हैं सर, आप पूछो बोले कि इसमें जी नेगेटिव बताइए मार्किंग भी है किसमें नेगेटिव इंटरव्यू मार्क? में। नहीं, रिजल्ट में जो 120 है, जो 25 बोल रहे हैं सर। ठीक नहीं, नेगेटिव मार्किंग कहाँ है उसमें। है सर। हाँ नेगेटिव तो रिटन में होता है, इंटरव्यू में तो आपको नंबर मिलते हैं, इंटरव्यू में जो है 0 से नीचे नहीं दिया जा सकता ना। तो उसमें नहीं सर, मुझे जो क्या एग्जाम सर, जो ऑनलाइन एग्जाम हो उसमें हम पूछ रहे सर, नेगेटिव मार्किंग है? नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, क्यों क्या हुआ? नेगेटिव मार्किंग नहीं वैसे है, बिल्कुल नहीं है जी। ठीक 180 में है, से आपने प्रश्न पढ़ा होगा ना, कि आप जब प्रश्न कर रहे होंगे तो उसमें अगर आपने पूरे प्रश्न हो टच किए हैं इसका मतलब कि एग्जाम नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, वो उस समय एग्जाम के समय नेगेटिव मार्किंग का लिखा रहता है पेपर पे कि है कि नहीं, कि 1/3 है या नहीं है। हालांकि जहां तक मेरी नॉलेज है उसमें नहीं है, जहां इंफॉर्मेशन जहां पे है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा सर, इंटरव्यू में सर 20 नंबर से भी आएगा तो काम चलेगा कि सर 30 नंबर लाना एकदम जरूरी है? तुम्हारा थोड़ा नंबर सा सर सर ने पूरी गणित बता दी है कि कितना नंबर आएगा, कितना नंबर, अगर 130 140 के आसपास है तो 15 नंबर लाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, डेमो और इंटरव्यू दोनों मिलाकर। अभी सर आएंगे, आने दो, थोड़ा सा प्रश्न इनको बोल लेने दो, फिर सर सारी बात बताएंगे डेमो ओके में क्या ओके होगा। सर, ओके ओके सर, थैंक यू। चलो सर बताइए आगे। जी अभी यूआर कैटेगरी में चलते हैं, तो यूआर कैटेगरी में मैं मान के चलता हूँ कि 116 टू 122 इसका कट ऑफ हो सकता है, नियर बाय 116 मिनिमम हो सकता है, 122 मैक्सिमम हो सकता है। तो जिन कैंडिडेट्स का, और मैं फाइनल कट ऑफ मान के चल रहा हूँ 66 टू 69 होगा, क्योंकि ये पिछले साल के आधार पे भी मैंने लिया है। तो अच्छा अगर देखा जाए तो यू आर कैटेगरी में जो 125 या उसके ऊपर है, ये देखिए 121, 121, 122, ये जितने लोग हैं अगर इनको जो है 46 मार्क्स या 49 मार्क्स, इतने मार्क्स इनको मिल जाते हैं, या 34 मार्क्स या 49 मार्क्स, मिनिमम 34 मैक्सिमम 49, अगर आपको मिल जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। उसी तरीके से अगर ये देखिए, आप लोग कोर्ट में जाके ये मत बोल देना कि सर ने बोला था आपका सिलेक्शन पक्का है, मेरे तो इतने मार्क्स है, मेरा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इसके आधार पे मैं इसकी गणना कर रहा हूँ, समझ रहे हैं, मेरे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स हैं और एक्सपेक्टेड जो फाइनल मार्क्स आएंगे उसके आधार पे मैं इसकी गणना कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए रिजर्व कैटेगरी में, ओ अनरिजर्व कैटेगरी में कोई कैंडिडेट के 116 मार्क्स आते हैं, तो उसको फाइनल सिलेक्शन के लिए मिनिमम जो है उसको 46 मार्क्स लेकर आना ही आना होगा। सर एक मोटा मोटा बता दीजिए कि यूआर के लिए कितना आना चाहिए और जी ओबीसी वही एससी के लिए, मोटा मोटा बता दीजिए बस। जी। तो यू आर कैटेगरी के लिए अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ 116 है सर, तो उसको जो मिनिमम मिनिमम इंटरव्यू में लेकर आना है वो 46 मार्क्स है, फोर्टी मतलब सिक्स मार्क्स जी अगर बिल्कुल, विद्यार्थियों का 116 से 120 के आसपास है जनरल का विद्यार्थियों का, तो कट फोर्टी ऑफ सिक्स टू फिफ्टी जी हाँ तो लाना जी पड़ेगा बिल्कुल सर। मैं ये कैलकुलेशन इसलिए भी दिखा रहा था क्योंकि कुछ लोगों ने गलत कैलकुलेशन किए हुए हैं अपने वीडियोस में, कुछ सर। कोचिंग वाले हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ लेकिन हाँ अगर वो बच्चों को, कैंडिडेट्स को बता भी रहे हैं कुछ, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट बताएं चाहे पैसा लेकर बताएं, लेकिन उनको सही जानकारी देनी, तो मेरा हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों तक फ्री और सही जानकारी मिले। तो उसी तरीके से ओबीसी में मैं थोड़ा सा मोटा मोटी बता देता हूँ आपको, 39 मिनिमम और मैक्सिमम 46 अगर आप कट ऑफ पे हैं, तो उसके ऊपर वालों के लिए 18 और 37 भी हो सकता है, मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 37, इतने में भी लाने से आपका काम चल सकता है।
ऐसा नहीं है कि अब आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करके नहीं जाएं, उसी तरीके से ऐसी कैंडिडेट में है आप मिनिमम 26 मैक्सिमम 36 लाने से भी आपका काम हो सकता है चल जाए, लेकिन ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कट ऑफ आनी चाहिए, अगर उससे ज्यादा होगी तो इससे ज्यादा नंबर आपको लेकर आना पड़ेगा। अब इसी सर आते तरीके से यू हैं आर जी नेक्स्ट क्वेरीज पे, आइए डेमो वाले क्वेरी पे आइए, जो डेमो का क्वेरी है। जी जी बिल्कुल, तो मैं इसको हटा देता हूं। तो जी मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हुए हैं सर, प्रिपेयर हाँ, जो कैंडिडेट्स के ही खुद के सवाल हैं। तो फाइनल सिलेक्शन चांसेस के लिए मैंने बता दिया कि आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं, कितना नंबर लाने से आपको कितना जो है मार्क्स लेकर आना पड़ेगा इंटरव्यू में। तो अभी डेमो की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया है वो डेमो पे ही आया है। इस बार लाइब्रेरी साइंस में डेमो जो है नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो अभी तक किसी को जो है कोई अंदाजा नहीं है कि डेमो में वो क्या कराया जा सकता है। लेकिन क्योंकि हमारा एक आकलन ये है कि मान लीजिए कि जो म्यूजिक टीचर है उनका जो डेमो होता है, उनका कोई जो है वायलिन या फिर हारमोनियम या फिर ढोल मजीरा जो भी होता है उनका इंस्ट्रूमेंट, उनको बजा के दिखाना होता है या गाकर उनको सुनाना होता है। इसी तरीके से आर्ट टीचर का भी होता है। तो अगर डेमो लाइब्रेरी साइंस में या लाइब्रेरियन के इंटरव्यू में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वो जाकर उनको जो है आपको सब्जेक्ट से कुछ पूछ लिया जाएगा कि आप कोई भी टॉपिक सब्जेक्ट से ले लीजिए और उसी को पढ़ाइए। क्योंकि यहाँ पर जब आप विद्यालय में आएंगे तो वो सब्जेक्ट से आपका लेना देना नहीं है, वो सब्जेक्ट को लर्निंग को इम्पार्ट नहीं करना है हमारे स्टूडेंट्स में, आपको बच्चों में रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है। तो उसके लिए आपको बताना है कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो उस टाइम पे वो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी एक्टिविटी, जैसे मान लीजिए बच्चों में रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है तो कौन सी एक्टिविटी आप करवा सकते हैं। तो कोई भी एक्टिविटी जिसका आप नाम लेंगे तो उसका पूरा जो है आप कैसे उस एक्टिविटी को कंडक्ट कराएंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी और उसमें क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण मैं लेता हूँ, बुक रिव्यू एक बहुत ही जो है हमारे यहाँ फेमस चीज है, बच्चों में जो लर्निंग इम्पार्ट करने, रीडिंग हैबिट इनकलकेट करने के लिए बुक रिव्यू करवाते हैं। बुक रिव्यू आप कैसे करवाएंगे, आपकी जो है प्लानिंग क्या होगी बुक रिव्यू कराने की, आप एक महीने में कितनी बार कराएंगे या कितने दिन में, वो प्लानिंग आपको खुद करना होगा। मान लीजिए आप बुक रिव्यू करा रहे हैं बच्चों से, कौन से तरीके की बुक्स होंगी, क्या क्या जो है आप उनको बच्चों को इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे और बच्चों को कैसे जो है मोटिवेट करेंगे कि वो बुक रिव्यू करें। बुक रिव्यू जाहिर सी बात है बुक रिव्यू होगी, जब तक आप तो बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक बुक रिव्यू नहीं किया जा सकता। जी जी सर सर, तो इसका प्लान आपको पहले से तैयार करके जाना होगा कि आपको जैसे बुक जी रिव्यू करानी है, तो जी जी जैसे जो टीचिंग स्टाफ हैं, जो टीचर्स हैं, उनके जी लिए बार बार ये सजेशन आता है कि आप कोई चैप्टर तैयार करके जाइए, चैप्टर उसी तैयार तरीके करें। से कोई एकाध बुक आप तैयार करके ले सकते हैं कि उसका बुक रिव्यू इस तरह से किया जाए। बच्चों को एक प्लान आप कर लीजिएगा बुक रिव्यू का, जो बिल्कुल एक्टिविटी है अपने दिमाग में एक प्लान बैठा लीजिए, फिर उसको तैयार करके जाइए। अब दूसरी एक्टिविटी सर। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मान लीजिए कि स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग है तो स्टोरी टेलिंग से क्या होता है कि बच्चे स्टोरी सुनकर मोटिवेट होते हैं, आप उनके सामने बुक पढ़ेंगे और वो बुक पढ़ के स्टोरी सुनेंगे, जब बच्चे उनको लग रहे रहे ये किताब तो बहुत अच्छी है मुझे भी पढ़ना चाहिए, तो बच्चे क्या है कि मोटिवेट होंगे बुक पढ़ने के लिए। तो वो चीज आप कैसे इम्पार्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, वो उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो जो भी चीज है, जैसे जहां तक मैं मान के चल रहा हूँ सर कि एक तो एक्टिविटी जो भी कैंडिडेट्स लाइब्रेरियन इंटरव्यू के लिए जाएंगे कम से कम एक एक्टिविटी प्रिपेयर करके जाएं, या फिर पूरी तरीके से ई ग्रंथालय के लिए प्रिपेयर करके जाएं। ई ग्रंथालय के लिए मैंने पहले बताया भी था इनको कि आप एनआईसी की वेबसाइट पे जाइए, ई ग्रंथालय, एनआईसी ई ग्रंथालय सर्च करेंगे तो आपको डेमो यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप इधर उधर घूम रहे हैं लोगों से पूछ रहे हैं, उससे बढ़िया यह है कि आप तैयारी में लग जाएं सर। ई ग्रंथालय का जैसे क्वेश्चंस थे बच्चों के कि क्या ई ग्रंथालय का ट्रेनिंग दी जाती है क्या केवीएस में?
बिल्कुल सर, जब हमारे यहाँ इंडक्शन कोर्स होता है तो हाँ वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, और ऐसा एक तरीके से ऑक्सिम है सर, कि एक मान के चला जाता है कि अगर आप यहाँ तक पास होकर आ रहे हैं, क्वालिफाई करके आ रहे हैं, तो आपको इतना जानकारी होनी चाहिए। लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं लगभग एक ही सिद्धांत पे काम करते हैं। उसी तरीके से सर ये ग्रंथालय भी है, लिप्सिस भी है। लिप्सिस का थोड़ा सा अलग सिस्टम है, MARC 21 पे फुली काम करता है, और ये पूरा एक बेसिक सॉफ्टवेयर के तरीके से काम कर सकता है, काम करता है। आपका एक्सेल जो है या फिर नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर है सर, वैसे ही काम करता है। तो अगर अच्छा आप लाइब्रेरी साइंस के छात्र हैं तो उतनी जानकारी आपको तो रहनी चाहिए सर, ये माना जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, हमारे यहाँ इंडक्शन होता है, वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, जी, और तो क्वेश्चन? डेमो के लिए तो मैं ये अश्योर करना चाहूंगा सर कि वो बहुत ही हाई लेवल की बात होगी या बहुत बड़ी बात होगी जब वो आपसे बोलेंगे कि आप कोई सब्जेक्ट का टॉपिक लेकर आप उसको पढ़ा दीजिए। कोई मैनेजमेंट का टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, वो वाला टॉपिक ले लीजिए और आप हमें पढ़ाइए। सर टोटली जो है इंटरव्यू जो होता है वो आपके नॉलेज को परखने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। विवेक जी, आप भी गाइड करते हैं कैंडिडेट्स को और आप भी कई बार बता चुके होंगे, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप लोग सब्जेक्ट के पीछे पड़े हैं, अच्छी बात है, सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। लेकिन वहां पर अगर आपसे सब्जेक्ट की कोई नॉलेज भी पूछ रहे हैं कि ये चीज क्या होती है, तो उसमें भी वो आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट कर रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका सब्जेक्ट नॉलेज आपकी पर्सनालिटी को भी टेस्ट कर रहे होते हैं। मान लीजिए इन केस आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आ रहा होता है, तो आप उस सवाल का जवाब देने के बजाय आप इधर उधर करके कोई जवाब देना चाह रहे हैं, या फिर डायरेक्टली आप सॉरी बोल के रुक जा रहे हैं, सर मुझे नहीं आता है, तो ये चीजें सर बहुत मैटर करती हैं उस टाइम पे इंटरव्यू में। सर, बच्चों के क्वेश्चंस में से जो आपने नोट किए हैं उन क्वेश्चंस को और आगे बताइए आप। दो क्वेश्चंस हो गए हैं। बिल्कुल सर, अभी एक सवाल आया हुआ है कि इंटरव्यू कब कंडक्ट कराएंगे। इंटरव्यू हो सकता है सर कि अप्रैल और जून, करीब अप्रैल और मई के महीने में कराया जा सकता है। इंटरव्यू से रिगार्डिंग क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर, यहाँ पर सवाल है इंटरव्यू से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन। तो इंटरव्यू से रिगार्डिंग जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ज्यादा क्या, वो एक तरीके से स्वतः सिद्ध है कि आपको अपने बारे में बताना ही है। सर, इंटरव्यू तो से रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो हमने ऑलरेडी पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जी, उसमें ये डिस्कस जो कर लोग चुके हैं। वो लोग पुराने वीडियो देखें। अभी जो क्वेरी है, ये 1-to-1 डिस्कशन बार बार नहीं होगा। जो क्वेरी है जी वो पूछिए आप लोग। अब जैसे आपने पूछा कि इंटरव्यू कब तक हो सकता है, तो ये तो प्रशासनिक मामला है कि कब तक वो करेंगे। लेकिन एक अनुमान बिल्कुल लगाया जा सकता है कि अप्रैल फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाएगा, फिर मई मई जून तक मैं आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा करके अगले सेशन में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। सब। हेलो, हाँ, हाउ मच चांसेस ऑफ प्रैक्टिकल ऑफ ई ग्रंथालय ड्यूरिंग डेमो, एक क्वेश्चन है सर, इसको लीजिए। हेलो जी, हाँ कितना बोलिए। चांस है कि ई ग्रंथालय के प्रैक्टिकल कराया जा सकता है सर, यही सवाल है ना सर? तो हाँ, हाई चांस है सर, हाई चांस है ई ग्रंथालय के प्रैक्टिकल कराए जा सकते हैं, हाई चांस है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ ई ग्रंथालय पे काम होता है, तो अगर डेमो कराएंगे वो तो एक्टिविटी के अलावा इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। अगर वहां पर हमारे केबीएस ने तैयारी, वैसे तैयारी करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सब्जेक्ट की बात हो रही थी वो सब्जेक्ट नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ई ई ग्रंथालय या यूट्यूब से सीखा जा सकता है क्या विद इन 10 days और 15 days? ई ग्रंथालय के लिए कोई स्ट्रक्चर्ड कोई अभी तक वीडियो तो किसी ने नहीं बनाया है। मैंने अभी वही सुझाव दिया है कि आप NIC की वेबसाइट पर जाइए, ई ग्रंथालय, वहां पर आपको एक डेमो यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है, उससे आप सीख सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप थैंक यू सर, थैंक चाहते यू हैं सो तो मच। हम लोग जो है बहुत ज्यादा डिमांड में होगा, तो देखेंगे, अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक किसी का सवाल है सर यहाँ पर कि क्या लाइब्रेरियन का इंटरव्यू डेली के सेंट्रल सेक्रेटरियट लाइब्रेरी, डेली पब्लिक लाइब्रेरी या डेलनेट में होता है? अभी तक तो अभी कभी ऐसा हुआ नहीं है सर। केंद्रीय विद्यालय संगठन अपनी सुविधा के अनुसार कराता है, तो उनकी मर्जी है कहाँ कराएंगे, मोस्टली दिल्ली में ही होते हैं। ये एक तो क्वेश्चन है, लाइक ड्रेस कोड, पर्सनल इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट नॉलेज,
भाई साहब जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ड्रेस कोड, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप लोग एक बार सर का वीडियो देखिए और उसमें सब सारे चीज़ों का निपटारा किया गया है। ड्रेस कोड तो डिसेंट होना ही चाहिए। अब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फोटो डालने वाला तो एकदम गॉर्जियस फोटो पहनकर जाएंगे नहीं, कपड़े डिसेंट आप टीचर एक फॉर्मल वे में जाएंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बेसिक होंगे। सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन डिपेंड करता है सर कि बेसिक होंगे या फिर जैसे मान लीजिए कि कोई सवाल पूछा गया, अब उस सवाल को बढ़ाते हुए वो अलग लेवल पे अलग 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 लेवल पे लेके जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक डीडीसी के बारे में कुछ पूछा गया, तो डीडी मान लीजिए डीडीसी कब पब्लिश हुई, उसके बाद फिर डीडीसी को जो है किसने हु वाज द एनुमिरेटर, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेलविल डेवी जो है वो क्या पर्टिकुलरली कौन से सब्जेक्ट के टीचर थे, डीडीसी में कितने शेड्यूल, मतलब अगर मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट उठाया गया तो हो सकता है, पूरी संभावना है कि उस सब्जेक्ट को पूरे तरीके से खंगाल दिया जा सकता है। सीसी तो से कुछ शुरुआत सीसी एक्चुअली क्या है कि लाइब्रेरी हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय में हम उसको फॉलो नहीं करते, तो सीसी से सवाल कम ही आते हैं। सीसी में ऐसे सवाल आ सकते हैं जैसे मान लीजिए कि उसके इन्यूमरेटर कौन है, कब पब्लिश हुई थी, ये सारी चीजें, कितने वॉल्यूम आ चुके हैं, ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं जो आपके रिटेन में भी आती हैं, उसको मेरे हिसाब से आपको याद करके रखना चाहिए। और तो सारी ऐसी चीजें हैं सब्जेक्ट के लिए आप लोग मत घबराएं, क्योंकि वो जो विशेषज्ञ विषय विशेषज्ञ होते हैं वो ज्ञान का भंडार होते हैं, तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितना उनके पास ज्ञान है उतना ही ज्ञान आप भी भर कर लेके जाओ, आपके पास जो ज्ञान है वो लेकर जाइए और जितना आप अभी अर्जित कर सकते हैं वो अर्जित कीजिए, इसके और लिए मत घबराइए। जी सर, दूसरी बात कि सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपका टेस्ट होना था वो हो चुका है, अब बिल्कुल सर, सब्जेक्ट के एप्लीकेशन से रिलेटेड हो सकता है। बिल्कुल आपकी बिल्कुल लाइब्रेरी बिल्कुल साइंस का एप्लीकेशन कैसे करेंगे, आप अपने ज्ञान का एप्लीकेशन केवीएस में कैसे करेंगे, इससे इंटरव्यू होंगे। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। क्वेश्चंस क्या हैं? एक सवाल है सर, इसमें हमारे जो फॉर्म में आया था, आई एम फ्रॉम द साउथ तो आई डिड नॉट नो हिंदी वेल, हाउ कैन आई प्रिपेयर। सर तो साउथ से है तो इसका मतलब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें हिंदी नहीं जानते हैं, हिंदी कोई बैरियर तो नहीं है, आप हिंदी या इंग्लिश यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू किसी भी लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हैं, या फिर अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती है या फिर हिंदी भी नहीं आती है तो आपको थोड़ा सा किसी भी लैंग्वेज में कंपिटेंट होना पड़ेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट है केंद्रीय विद्यालय संगठन की आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ज्ञान होना चाहिए। एक क्वेश्चन है सर, कार्ड बनवाया जाएगा? ये कैसा कार्ड की बात कर रही हैं? ये कैटलाग कार्ड होता है सर हमारे यहाँ, कार्ड हाँ, बनवाया जाएगा अगर आप जो है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, तो इसमें मेरे हिसाब से सर कि डेमो में कुछ भी करवा सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम बस एक चीज छोड़कर कि वो आपसे सब्जेक्ट की टीचिंग नहीं करवाएंगे या फिर आपसे मैथमेटिक्स नहीं पढ़वाएंगे, एक चीज छोड़कर सर आपको दो चीज की बहुत ही ज्यादा संभावना है, वो है एक ग्रंथालय और कोई ना कोई एक्टिविटी। अभी हमारे यहाँ की हम सभी लोग जो है ये ग्रंथालय यूज करते हैं, इसलिए जो कैटलाग कार्ड है वो हमारे जो है चलन से बाहर हो चुका है, तो इसलिए हम लोग कैटलाग कार्ड यूज नहीं करते हैं लाइब्रेरी में जनरली, लेकिन अगर हमारे इंटरव्यूअर जो है बोर्ड मेंबर्स पूछते हैं तो आपको जाहिर सी बात है बनाना पड़ सकता है, हो सकता है। और कुछ जो अपडेट हो रहा है लाइब्रेरी साइंस में या डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, उन सब चीजों के बारे में आपको अपडेट? सर अपडेट के लिए आप लोग इफ्ला, एक हमारा जो संगठन है इफ्ला, उसकी वेबसाइट हमेशा चेक किया करिए, इफ्ला जो है सबसे प्रोग्रेसिव संगठन है लाइब्रेरी साइंस फील्ड में, इफ्ला जो है सबसे प्रोग्रेसिव संगठन है, और ओसीएलसी भी चेक किया करें जिनको भी जानकारी चाहिए। और कुछ जो है बाकी लोकल जो है हमारे यहाँ एक ब्लॉग है LIS कुछ करके है, उस पे भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन नई चीजों के लिए नई नए इनोवेशन के लिए आप इफ्ला की वेबसाइट को हमेशा जो है चेक करते रहें और नया जो कुछ भी आया है। ये सर पूछ और रही है, दूसरा सर क्या पूछ रहे हैं डी सर, डी सी 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 ए ए सी आर 2R Mark 21 व्हाट आर फॉलोड बाय केवीएस, DDC ना, डीडीसी सर, डीडीसी DDC। फॉलो किया जा रहा है सर हमारे यहाँ, ACR2 भी फॉलो किया जा रहा है, अच्छा, तो Mark 21 जो टेक्नोलॉजी होती है वो एक्चुअली क्या है सर कि वो एक तरीके से जो डिजिटल कैटलॉग कार्ड होता है उसका एक फॉर्मेट होता है, तो जो ई ग्रंथालय है वो Mark 21 को फॉलो नहीं करता है,
अच्छा MARC 21 में आइडेंटिफायर और एंड ऑल चीजें होती हैं, तो वो चीजें यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी। तो तो कहने का ऐसा मतलब है कि जी ऐसा पूछा जा सकता है कि ई ग्रंथालय MARC 21 को फॉलो क्यों नहीं करता है और इसको फॉलो क्यों करता है? सर, ये NIC ने डेवलप किया है, तो मेरे हिसाब से कि NIC अच्छा, टेक्निकलिटी के बारे में जो है, NIC इन सब चीजों के बारे में डिटेल दे सकते हैं। और जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए प्लीज। फील्ड चेंज करना चाहिए। ओके, अच्छा, JBT से लाइब्रेरियन क्यों बने हैं? यही ना, ये JBT क्या पोस्ट होती है सर? जैसे प्राइमरी वो प्राइमरी टीचर होते हैं JBT। टीचर सर, सबसे हाँ पहला कारण तो जो है बेसिक आपका जो है अलग है, उसमें सैलरी थोड़ा कम है, इसमें ज्यादा है, और बाकी बहुत सारी चीजें हैं सर। जेन्युइन कारण तो वो तो सबसे पर्सनल बिल्कुल, रीजन बता देंगे कि मैं एक तो सब ग्रेड पे ऊपर हो रहा है, दूसरा की लाइब्रेरी से मुझे किताबों से प्रेम है। दूसरा कभी कभार क्या होता है सर कि लोग जो है इसको बड़ा बनाने के लिए उसको छोटा बना देते हैं, और वहीं पर गड़बड़ी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप प्राइमरी टीचर थे, उसको छोड़कर आए, तो उसमें इतनी सारी समस्याएं बता देते हैं कि फिर ऐसा लगता है कि वो नौकरी बेकार थी, तो आज ये नौकरी ज्वाइन करोगे, 2 साल बाद ये नौकरी बेकार हो जाएगी। सही तो बात, इसलिए आपको कुछ ऐसे कारण बताने चाहिए। देखो सर, ये जेन्युइन रीजन होता है, फाइनेंशियल जो चीजें होती है वो जेन्युइन रीजन है, सबको चाहिए होती है पैसा, सबको चाहिए होता है। तो अगर आप पैसे के लिए आ रहे हैं तो ये गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन आपका उसके पीछे क्या मोटिव जो रहा है वो थोड़ा सा जेन्युइन होना चाहिए इसका मैं कि उत्तर क्यों दे आए देता हैं। हूं। आप अपने बिल्कुल फील्ड का जो आंसर देना चाहते हैं, फील्ड सर, एक चेंज क्वेश्चन का, है। रुक जाइए, जो भी है एक मिनट रुक जाइए, कि अगर आप फील्ड चेंज कर रहे हैं तो आप इसका आंसर ये दे सकते हैं कि सर, एक तो पहले मेरा प्रमोशन हो रहा है, दूसरा मुझे किताबों से लगाव है और मैं किताब लाइब्रेरी साइंस में आ करके मुझे लगता है कि मैं किताबों के करीब रह पाऊंगा और विद्यार्थियों को किताबों से ज़्यादा जोड़ पाऊंगा। सीधा सपाट आंसर है। बिल्कुल सही बात। फिर इसका काउंटर क्वेश्चन होगा, क्यों आप प्राइमरी टीचर में आप विद्यार्थियों को नहीं जोड़ पा रहे थे? तो आप कहेंगे कि सर, प्राइमरी शिक्षक शिक्षण में अक्सर ये होता है कि विद्यार्थियों को बेसिक लेवल पर सिखाया जाता है, तो उस बेसिक लेवल पे हम उतना लेवल तक नहीं जोड़ पाते हैं जो कि एक 12-13 साल 14 साल के टीनेज को हम किताबों से जोड़ सकते हैं, ये आप कह सकते हैं। हाँ, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे पूछिए। सर, 70-38 का रेशियो क्या है? क्या 70-38 का रेशियो क्या है? 70-30 का रेशियो क्या है? जी सर, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया वही है 70-30 का रेशियो, अभी फिर से अगर कैलकुलेशन करके सर, बताएं। नहीं सर, सर 180 में कितना सही होगा तो 70% होगा। देखिए सब बता चुके हैं अभी। आप जुड़े, तुरंत जुड़े हैं क्या? नहीं सर, थोड़ा सा उस समय नहीं थे, नहीं जुड़े, आवाज नहीं आ पा रहा था हमको। ऐसा है ना कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 116 से 120 के आसपास अगर आपका है तो आप सेफ हैं और आप इंटरव्यू की तैयारी करिए, और थोड़ा सा कम है तो 2-3 नंबर इधर उधर कर लीजिए। ओके ठीक सर, है, ओके ठीक है, ये सर। सब बता। ड्रॉप ड्रॉप सर, ड्रॉप क्वेश्चन का क्या होगा अगर वो सही है हमारे आंसर की में? तो क्या ड्रॉप क्वेश्चन जो आंसर की में ड्रॉप कर दिया गया है जो क्वेश्चन को, ये ड्रॉप। KBS के डिस्क्रिशन पे है, जो क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं उसमें आपके मार्क्स जोड़ भी सकते हैं और सबके मार्क्स 2 नंबर वो काट भी सकते हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें जो है आपको फायदा भी नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा। ये तो सबके कभी लिए कभी हो होगा। सकता है किसी को फायदा भी हो सकता है, मान लीजिए आप कट ऑफ पे हैं तो 1-2 नंबर जो है जो पहले वाले हैं, जैसे मान लीजिए उसमें वो बहुत स्ट्रेटजी वाली चीजें हैं। खैर, इसमें नुकसान फायदा किसी को नहीं होता है, 2 नंबर ड्रॉप होने से। वो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं, वो देखा जाएगा कि 2 नंबर आपका सबको ऐड करते हैं या फिर सबका जो है कम, तो सर हमारे कम तो एग्जैक्टली 114 है OBC से, तो एनी चांस? देखिए आप तैयारी करिए, चांस वही है, यहाँ पर सब चीजें एक्सपेक्टेड हैं, जो मैंने कट ऑफ बताए हैं 115 से 120 मैंने बताया है, तो हाई संभावना है कि उसी के आसपास रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि उसके नीचे नहीं अच्छा जाएगा, सर, हो सकता एक क्वेश्चन है सर, अगर किसी बंदे का 140 आ जाता है तो उसको इंटरव्यू में कितना नंबर आएगा तो हो जाएगा?
वो डिपेंड करता है कि उनकी कैटेगरी क्या है, उसके बाद वो ओबीसी डिपेंड हो करता तो है कि सर, कितने ओबीसी उनके ओबीसी तो हाई चांसेस हैं। मैं बता सकता हूँ उनके हाई चांस है होने सर इंटरव्यू में कितना नंबर पर हो जाएगा उनका? के। अरे 40 नंबर, अभी तीस मैंने नंबर पे कैलकुलेशन लिया आपको बताया था, आप एग्जैक्टली कितना नहीं बता सकते, है। एक नंबर चाहिए दो नंबर फिर चाहिए आपको। भी नहीं सर इंटरव्यू हाँ सर हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, जी जी 140 बताइए। नंबर अगर आपका है तो आप इंटरव्यू में 30-35 नंबर भी लाएंगे तो आपका चांस बन जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं कि इंटरव्यू की तैयारी ना करें या जाके वहां पे एकदम रगड़ने कि हाँ हम तो कॉन्फिडेंस में आए 140 नंबर लेके, ऐसा नहीं कर। जी एक क्वेश्चन आया है कि अब मैंने अपने जी पेरेंट डिपार्टमेंट में नहीं बताया, सबसे पहले कि ये बताएं कि वो पेरेंट सर डिपार्टमेंट सरकारी है या गैर सरकारी है। अगर आपका सरकारी है गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा, बाकी लोग प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए, मैं 10-15 मिनट में सेशन को एंड करने वाला हूं। अगर सरकारी है तो आपको ये बताना चाहिए था, नहीं भी है तो आप उस समय जा करके अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो रीजनल ऑफिस है, जो हेड ऑफिस है, वहां पर जाकर संपर्क करिएगा, एनओसी मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप रिजिग्नेशन देंगे, टेक्निकल रिजिग्नेशन, और वो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत दौड़ भाग के साथ आपको मिल जाना चाहिए। फिलहाल आप इंटरव्यू पे ध्यान दीजिए, बाद की प्रक्रिया बाद में देखेंगे। विवेक जी, एक सवाल आया है कैंडिडेट का कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें, थोड़ा सा उनको गाइड करें। कॉन्फिडेंस हम बताइए बताएं। कैसे बिल्ड करें, आप थोड़ा सा उनको गाइड करिए कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा उनका। दोस्तों दोस्तों, ऐसा है ना कि ये प्योरली जो सेशन है लाइब्रेरी साइंस के लिए, मैं एक जनरल सेशन लूंगा, ठीक है, जिसमें आपकी हॉबी, आपका इंट्रोडक्शन, कॉन्फिडेंस, आपका चलना, आपका बोलना, आपकी भाषा, आपकी अंग्रेजी, आपकी हिंदी, सब पे मैं बात करूंगा, पूरा वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। प्लीज इसको लाइब्रेरी साइंस का करने दीजिए, मैं कॉन्फिडेंस बिल्ड का कैसे क्या करना है सब बताऊंगा, 1 घंटे का सेशन में होगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाले सेशन में जो विशाल सर सर लेंगे उसमें डेमो आपके टीचिंग क्या एक होता है इसमें, लाइब्रेरियन में होगा क्या? डेमो टीचिंग के लिए शायद हम लोग बता चुके हैं सर, मेरे हिसाब से। आप सर ये अगर ये वीडियो यूट्यूब पे हम लोग डालेंगे तो उसको देख सकते हैं, बाकी फिर अगर हो सर सकता है इन केस, बाकी हम लोग तो बातचीत कर चुके हैं। सर किसी का जो माइक है उसको ऑफ करवा दीजिए, इसमें कुछ हेलो, क्वेश्चंस रह गए हैं सर। इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, एक मिनट इंटरव्यू सर। म्यूट कर लीजिए जो भी आपने ऑन किए हैं। हाँ क्या करेंगे सर आप? बताओ, बताइए जो आप लेना चाहते हैं बताइए। ई हेलो ग्रंथालय की तैयारी कैसे करें सर, एक सवाल है सर, सर सर। अभी रुक जाइए, एक एक कुछ क्वेरीज हैं, कुछ कैंडिडेट्स ने पहले ही दिए हैं, सवाल पता नहीं उन्होंने ज्वाइन किया है कि नहीं किया, हो सकता है ज्वाइन किया हो तो उनको समझ में आ जाएगा। है, हेलो सर, एक सवाल ये है, म्यूट कर लीजिए। सर दो चार क्वेश्चन लेकर जो लाइब्रेरी साइंस से क्वेश्चन हो उसको लीजिए, गैप वाला जो जनरल मेरा क्वेश्चन उसको मत लीजिए, वो बाद में कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन हेलो बताइए, और किसी का सवाल हो तो म्यूट नहीं तो सेशन एंड करते हैं। जी करो, म्यूट करो, जी म्यूट करो जो म्यूट करो। बोलिए। मिनिमम से मिनिमम कितने इंटरव्यू में कितने नंबर, इंटरव्यू में कितने मिनिमम नंबर दे सकते हैं, एक किन किन चीजों पर? जैसे कि होता है कि जैसे सब्जेक्ट नॉलेज अगर किसी का वीक है और स्ट्रांग नहीं है इतना सब्जेक्ट में, बाकी चीजों में जैसे उसका उसके पास एक्सपीरियंस है और उसने कहीं जॉब किया हुआ है मैनेज करने को का, लाइब्रेरी को उसके पास एक्सपीरियंस है, बच्चों को हैंडल करने का एक्सपीरियंस है उसके पास, एंड एक गवर्नमेंट यूनिट में काम किया हुआ है, कर रहा है प्रेजेंटली, आई एम वर्किंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो क्या अगर सब्जेक्ट नॉलेज थोड़ा वीक है और कुछ जो है एक्सपीरियंस बेसिस पर है और बाकी चीजों पर पर्सनल इंटरव्यू, मिनिमम से मिनिमम कितने नंबर दे सकता है? जैसे ठीक कि है, नंबर अगर अच्छे हैं 130 हैं या 132 हैं तो क्या वो इंटरव्यू इजीली क्रैक कर सकता है अगर सब्जेक्ट नॉलेज थोड़ा कम है तो? क्वेश्चन उठा जाना जरा, ये राजेश कुमार वर्मा का।
बताइए सर विवेक जी। ऐसा है ना कि आपका ये नहीं देखा जाएगा कि आपका सब्जेक्ट एक्सपीरियंस क्या है, वो डिपेंड करता है कि आपका वो दिन कैसा जाता है, इंटरव्यू मेंबर का दिमाग में क्या चलता है। हम लोग एक जनरल सी तैयारी कर रहे हैं, आपका दिन अच्छा रहा तो आपकी किसी बात पे वो खुश हो जाएंगे, ठीक है, वो किसी बात पे नाराज़ भी हो सकते हैं, बस आपका दिन अच्छा होना चाहिए। और मिनिमम अगर आपका 130 जा रहा है ना, तो आप बस जो जो सर ने बताया है उन सब चीज़ों की तैयारी करके जाइएगा, विनम्रता से आत्मविश्वास के साथ सवालों का जवाब दीजिएगा, होना होगा तो हो जाएगा, इतना परेशान मत होइए। 130 अच्छा नंबर है आपका। एक एक सवाल और था सर। एक ओके सर, सवाल ये थैंक यू। था कि एक कैंडिडेट का मेरे पास कुछ थोड़ा सा इंटरेक्शन हो रहा था, तो उसमें उनको थोड़ी सी एक क्या है कंफ्यूजन थी। उन्होंने बोला सर अगर मान लीजिए मैंने कोई जवाब दिया और जवाब में उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया तो मुझे डिफेंड करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि वो डिफेंड करने आप नहीं जा रहे हैं इंटरव्यू में, आप उनको प्रेजेंट करने जा रहे हैं। आप अपने आप को जितना अच्छे से इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट करेंगे उतना ही मार्क्स आपको अच्छा मिल सकता है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट कि सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी है नहीं है, आप इन सब चीजों पे सोचना बंद कर दीजिए। अभी जितनी तैयारी है उतनी अच्छी है, अगर आप तैयारी कर पा रहे हैं और कुछ पढ़ पा रहे हैं तो आप पढ़िए, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपकी पर्सनालिटी का ही टेस्ट लिया जाता है। अगर आपसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं, सब्जेक्ट की भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट के सवाल भी पर्सनालिटी को ही चेक करने के लिए लिया पूछा जाता है। तो कैंडिडेट्स हमेशा जो है मतलब अभी भी इनके जो सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं, बस एक ही सवाल है कि सब्जेक्ट से कितना सवाल पूछा जा सकता है। तो आप पूरी तैयारी करके आएंगे, पूरी तरह तैयारी करके जाएंगे, सब्जेक्ट से कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है उस टाइम एक पे। क्वेश्चन ये पूछ लेकिन रहा है कि कोई सर ये स्पेसिफिक वीडियो कब डालेंगे आप यूट्यूब पे? हाँ एक दो दिन में डाल देंगे। कोई स्पेलिंग वगैरह भी पूछ सकते हैं क्या, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वर्ड्स? अब ये तो नहीं पता है मुझसे, एक इंटरव्यू नवोदय के इंटरव्यू में चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग पूछा गया था, तो ऐसे जो जैसे लेफ्टिनेंट हो गया तो उसको ल्यूटिनेंट लिखते हैं लेकिन लेफ्टिनेंट पढ़ते हैं, बुके हो गया, तो इस तरह के कुछ कुछ उनका मन होता है तो पूछ लेते हैं, देखिए, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं। डिपेंड करता है बोर्ड मेंबर्स के ऊपर, डिपेंड करता है सर कि अगर वो हल्का फुल्का मतलब जैसे मान लीजिए माहौल पूरा गंभीर हो गया है तो हाँ, थोड़ा सा उसको हल्का फुल्का करने के लिए वो पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे सर इंटरव्यू नवोदय के इंटरव्यू में दे रहा था तो मुझसे तो गाना गवाया गया था कि आप पहले गाना गा लीजिए, आपके शौक क्या क्या हैं, तो वो जी, डिपेंड करता है, लेकिन आपको अपना प्रिपेयर करके जाना है। देखिए मैं आपसे वादा करता हूँ, पहले तो ये बात जान जाइए कि हमारी कोई कोचिंग वगैरह नहीं है, एक जिस स्टूडियो का मैं उपयोग करता हूँ मेरे सीनियर का है। मैं आप लोगों की मदद के लिए पूरे भारत से जो टीचर्स हैं उनको बुला रहा हूँ जो मेरे कांटेक्ट में हैं, तो मैं एक जनरल इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं उसका एक वीडियो पूरा बनाऊंगा, उसमें सारी चीज़ों का डिस्कशन होगा। फिलहाल लाइब्रेरी साइंस तक इसको लिमिटेड रखिए क्योंकि सर अभी अपना बहुमूल्य समय लेकर के आए हैं। अब बताइए, एक तिनसुकिया में वहाँ पर थोड़ा कभी सर कभी। सर एक क्वेश्चन है, जैसे कि अगर जैसे लाइब्रेरी साइंस में किसी लाइब्रेरी में हम जो है किसी लाइब्रेरी में इंस्टीट्यूट है, वहाँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर हम ये लाइब्रेरी अटेंडेंट काम कर रहे हैं और जो है हम हमारे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है वर्किंग है, बट जो हमारा इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट, हालांकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ पर मैनुअल वर्क होता है, ना ही ये मार्क 21 यूज किया जाता है, ना ही कोई ई ग्रंथालय या किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, वहाँ सिंपल SSN रजिस्टर होता है और जो इशू रजिस्टर होता है और बाकी चीजें हर एक चीज मैनुअल वहाँ काम किया जाता है और मैं करता हूँ, मुझे पता है उसके बारे में जानकारी है। बट अगर वहाँ पर जैसे कि आप बता रहे हैं कि ई ग्रंथालय यूज किया जाता है और बाकी चीजें जो टेक्निकल चीजें यूज की जाती हैं, तो क्या सर अगर हम एक्सपीरियंस बताते हैं अपना कि हाँ मुझे एक्सपीरियंस है इस फील्ड में ऐसे है, तो क्या ये काम आएगा, ये काम एक्सपीरियंस बताना सही रहेगा या फिर नहीं बताएं उसके बारे में? बिल्कुल बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो आपको बताना ही पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप वहां नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि आपको NOC तो देनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि सर अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो जो हल्का फुल्का तो जानकारी आपको कंप्यूटर की होगी, इतना मतलब इतना ज्यादा कठिन नहीं होता। जो आप लोग मार्क 21 की बात कर रहे हैं वो एक सेपरेट चीज कोई नहीं होती है, वो हमारे लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर से ही जुड़ी होती हैं चीजें। लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर ये
आपका जो है मैनुअल जो है उसी को एक तरीके से डिसाइज कर दिया गया है। उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सारा काम लगभग वही होता है, बस आपको एक कंप्यूटर का उपयोग करना होता है उस टाइम पे। और ये ग्रंथालय के लिए मैंने बता बता दिया है, सबको बता चुका हूं मैं कि आपको एनआईसी की वेबसाइट पे जाकर और वहां से आप डेमो ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये ग्रंथालय के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत पड़ेगी, हमें या लगेगा महसूस होगा कि आप लोगों को जो है कुछ ट्रेनिंग वगैरह चाहिए होगी, तो मैं अगर मुझे टाइम मिलता है, फिलहाल अभी जो है बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है तो अभी टाइम शायद ही मिल पाएगा। तो नहीं, आप अगर एक बार रिजल्ट आने दीजिए, फिर जो हमारा जी ग्रुप जी है उसमें से जो सेलेक्टेड जो रिजल्ट में इस पार आ जाएंगे, इस पार उस पार, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो अपने तरफ से एफर्ट लगाया जा सकता है। ये पूरी तरीके से मतलब ये है कि आपके लिए किया जा रहा है। एक क्वेश्चन है कि सर फीमेल के लिए ऐसा कुछ सर्टेन कलर होता है क्या ड्रेस कोड का? तो ऐसा है कि जो शादियों में पहना जाता है वो पहन के मत जाइएगा बस, और तो ड्रेस कोड सिंपल डिसेंट सोबर होना सा चाहिए, होना चाहिए। ड्रेस डिसेंट होना चाहिए। जी। और सर क्वेश्चन एक लाइक, क्वेश्चन है हाँ सर, एक्चुअली मैंने MLib किया है और सर नेट क्वालिफाई किया लाइब्रेरी साइंस में, तो सर वो इंटरव्यू के लिए बेनिफिशियल रहेगा पता ना या नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, लेकिन आपसे उम्मीद थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आपने एमलिब किया है और आपने नेट भी क्वालिफाई किया है, तो आपकी नॉलेज का लेवल जो है अब यहाँ से नहीं यहाँ तक होना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चंस के आपके पैटर्न और थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाए। और कुछ? लगभग सारे सवालों के जवाब मेरे हिसाब से दे दिए गए हैं सर। कलर हाउ वी कैन इनहेंस रीडिंग हैबिट्स ये हमने बता दिया। प्लीज शेयर सम पिक्चर्स ऑफ कार्ड कैटलॉग। तो कार्ड कैटलॉग हम यूज करते नहीं हैं, तो अभी हमारे यहाँ जो है उपलब्ध नहीं है। माई ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इज वैलिड टिल करेंट फाइनेंशियल ईयर, इज इट कंपल्सरी टू अपडेट इट बिफोर इंटरव्यू? मेरे हिसाब से सर अपडेटेड लेकर जाएं तो भी अगर ठीक आप अगर ही आपके है। पास अपडेटेड है तो ठीक है, नहीं तो आपको समय दिया जाएगा, आप एफिडेविट दिया जाएगा कि आप इतने समय में जब भागा तो आप लेकर के जाएंगे। एक सवाल ये भी है सर, कैन बी अरेंज डेली डेमो इंटरव्यू ऑफ 20 पीपल्स? इज इट क्या पॉसिबल सर? कैन बी अरेंज डेली डेमो इंटरव्यू? डेमो डेली इंटरव्यू जो है डेली वर्ड थोड़ा कठिन लग रहा है जी तो कठिन लग रहा है। और दूसरी बात ये है सर कि ये डेमो इंटरव्यू जो होगा वो किस दिशा में जाना चाहिए, अभी हाँ। कोई दिशा तय नहीं है उसकी। दरअसल वो एक ऐसा शून्य है, एक ऐसा आकाश है जिसके बारे में किसी को कोई जी, जानकारी है नहीं। और बिल्कुल टीचिंग बिल्कुल सब्जेक्ट होता तो बता देता आदमी कि ये डेमो है वो है, और सर ने जी बहुत सारी बातें बता दी हैं कि डेमो में ये सब पूछा जा सकता है, तो ये संभव नहीं लग रहा है अपने इंटरव्यू डेली। के लिए मैंने बता दिया है कि आप दोनों भी लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। मान लीजिए इंटरव्यूअर ने आपको इंग्लिश में क्वेश्चन किया तो आप उसको सॉरी बोल के सर कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, हिंदी में जवाब दे सकता हूँ, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो इंटरव्यूअर जो है उसके लिए बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि यहाँ पर बोथ लैंग्वेजेज चलती हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों। हाउ टू ग्रीट कैसे करना है वो विशाल सर एक क्लास लेंगे। हाउ टू आंसर व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन केवीएस सर? सब आंसर दे देंगे सर हम। अभी लाइब्रेरी साइंस से कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, वरना मैं एक दूसरे टीचर भी आने वाले हैं। कंक्लूड करें हम दोस्तों, ठीक है अगर कोई बिल्कुल सर। स्टूडेंट बुक चोरी करे तो क्या करें? अगर अगर बुक चोरी करे तो बिल्कुल ये समस्या क्वेश्चन है जब लाइब्रेरी के इंटरव्यू में लिए। पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? हाँ क्या बताएंगे बताइए। अगर बुक चोरी करते हुए पकड़ा जाए या फिर जो ऐसा आपको पता चला है कि चोरी हो रही किताबें, कई सिचुएशन हो सकती हैं सर। तो उसके लिए देखिए आपको जो है बच्चों में, आप बच्चों को डरा धमका नहीं सकते, आपको बच्चों को समझा सकते हैं कि किताबें जो हैं वो पढ़ने के लिए ही हैं सर। और अगर मान लीजिए आप आज किताब लेकर जाते हैं तो कल को वो किताब दूसरे बच्चे को नहीं मिल पाएगी और आपकी इसका वजह से कोई बच्चा जी। इसका प्रैक्टिकल आंसर मैं देता हूं कि अगर कोई विद्यार्थी चोरी करता है और वो पकड़ा जाता है, ठीक है, तो एक तो आप विद्यार्थियों को डराना डांटना बोलना ये सब मना है, तो आप उनके अभिभावक से संपर्क करके उसके बारे में अवेयर कर सकते हैं कि देखिए ये दिशा अब इसकी बदल रही है, ठीक है, और उसके बाद उसको सेंसिटाइज करना होगा। पहले ही जब जब लाइब्रेरी साइंस में जब लाइब्रेरियन बुलाते हैं तो आप जी बोलिए कि ये किताबें जो हैं वो आपकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है,
ज्ञान पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है और ये आप पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेंगी। तुमको सेंसिटाइज करिए, उनके अभिभावक से मिलिए, उन्हें सेंसिटाइज करिए और बोलिए कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, ठीक है? और ये बात आप अपने प्रिंसिपल को बताएंगे, ठीक? एनीवन एल्स? सर, इसमें मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ऐड करना चाहती हूँ, आप बताइए करेक्ट है या ना रॉन्ग है। जैसे अगर कोई बच्चा चोरी करता है कोई बुक को, तो सबसे पहले हमें उस बच्चे से कम्युनिकेट करना चाहिए कि एक्चुअली हाँ तुमने ये काम किया क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर हाँ हमें रीजन पता चलेगा तो हम एग्जैक्ट सोल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। अगर उसे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो उसे बुक में ना किसी और के नाम पे इशू था, उसने सोचा उसने चोरी कर लूँ, तो वो एक रीजन हो सकता है। अगर रीजन पता हो तो हम एग्जैक्टली उसका सोल्यूशन बता सकते हैं। उसके बाद आगे फर्दर जो हमारा करिकुलम कहता है उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे, जो भी हमारा ना रूल्स एंड रेगुलेशन। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि बिल्कुल कोई भी बिल्कुल बच्चा अगर कोई भी अनुशासनहीनता करता है तो सबसे पहले बच्चे संपर्क करेंगे, उसके बाद अभिभावक, क्योंकि ये त्रिकोणीय श्रृंखला है कि बच्चा, अभिभावक, शिक्षक, तो इन सभी को सम्मिलित करके हम आगे बढ़ेंगे। लाइब्रेरी साइंस से और कोई क्वेश्चन नहीं है मुझे लग रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने का। दुर्गेश सर, धन्यवाद। आपको बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, और जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए। ये वीडियो कुछ दिन में अपलोड हो जाएगा, 1-2 दिन समय लगेगा, फिर अपलोड हो जाएगा। और बाकी जो जनरल क्वेश्चन है कि आत्मविश्वास कैसे बनाए, हिंदी में बोले कि अंग्रेजी में, तो क्या ड्रेस पहनकर जाएं, कैसे ग्रीट करें, वेलकम कहें या ना कहें, तो इस तरह से हम बात करेंगे आगे अगले सेशन में। धन्यवाद सभी का। ओके सर।